यहाँ पर बड़ा सा गेट है, गेट के अंदर वन भैंसा जो टांगा हुआ है शिकार करके भी है, अंदर में बहुत सारा भालू है, भालू नहीं यहाँ चीता है, बड़ा सा शेर है, ये शेर है, कितना भीड़ लगे रहता है, देखिए ये भीड़ हुजूम बना हुआ है और निकलने के लिए जगह नहीं है। अब देख सकते हैं कैमरा मैन से जाएंगे, काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। यहाँ पर आने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना धक्का मुक्की खाते हुए, कितना तगड़ा है यहाँ पर निकलने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन को भी पूरी तरह से यहाँ पर मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, देखिए और काफी हल्ला बोल होता हुआ, आराम से जाएंगे, यहाँ पर भीड़ यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपना जोर लगाते हुए फिर भी यहाँ पर भीड़ इतना ज्यादा, और देख सकते हैं कैमरामैन इधर आ जाए, इतना भीड़ लग रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और नमस्ते मैडम, देख लिए? नहीं देखे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं है, बस भालू और सियार वाला है, बाकी कुछ नहीं है, हम लोग देख के आ रहे हैं, तुरंत तुरंत जा सकते हैं, जा सकते हैं, देखिए मजा आएगा, है ना, हमारा कैमरा मैन से यार आ जाए, कैमरा यहाँ पर फंस गया है हमारा, छोड़ जाने घनश्या, योगेश योगेश योगेश, अरे तो कैसे जा, बहुत भीड़ है ना, इधर से देखेंगे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसे लग रहा है भाई बताओ जाने के लिए, कितना भीड़, वहाँ तो कुछ नहीं, हालांकि वो पुराना जमाना में शिकार करके उसको किए हैं, परंपरा चल रहा है, हम लोग आ रहे हैं देख करके, बताइए कुछ बता सकते हैं, आप लोग भी आए हैं देखने के लिए, देखिए बहुत लोग एकदम इधर आए हैं, इधर दिखाएं, देखिए कितना भीड़ है, ये राजा के महल को देखने के लिए आए हुए हैं, बड़ा मशक्कत के बाद हम लोग शुरू में प्रवेश किए थे, कितना संघर्ष करते हुए, भीड़ देख सकते हैं, हम लोग उधर से निकलते हैं, बहुत हुजूम भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, अनकंट्रोल होता हुआ भीड़, ठसम ठस भरे हुए हैं, यहाँ तिल सा जगह नहीं है, इतना अंदाजा, ये हमारे नमस्ते, ये इसको पकड़ लीजिए थोड़ा सा, ये बताइए यहाँ पर, उधर देखिए थोड़ा सा, हाँ आपका शुभ नाम बता दीजिए, राजकुमारी रत्नानी, ये बताइए यहाँ पर एक आध बार आए थे राजमहल को देखने के लिए, यहाँ के बारे में बताइए, गौरवशाली इतिहास के बारे में, बहुत ही प्राचीन काल का महल है, बहुत पुराना, हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत खेलने भी आते थे, प्लस बाबा जी से, बाबा से तो हम लोग का है ही, बहुत अच्छे स्पेशल, बहुत अच्छे, नहीं नहीं स्पेशल क्या, वो सबके लिए अपने ही, किसी के लिए गैर, मतलब इतना प्यार देते हैं लोगों के लिए, बसते हैं, हम आज हमें लगभग 50 साल के हो गए, जी जी, आज भी जब भी मिलते हैं मेरे पोते पोती हैं उनको तक गोद में ले लेते हैं, इतने अच्छे इंसान, वहाँ पर अंदर जाइएगा तो आज तो देखने के लिए नहीं मिलता, जीव जंतु उनका, बाघ चीता बहुत सारा वहाँ पर शिकार कर लगाए तो भी देखने के लिए उत्सुकता रहता है ना, जी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उत्सुकता तो बहुत रहती है लेकिन आजकल रश इतना रहता है ना, कि देखने को मतलब लगता है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है ना, जे 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 किसको किसको रिस्पेक्ट देंगे, सरगुजा संभाग के गांव अंचल के शहर के लोग आए हुए हैं, जी जी, और किस तरीके से क्रेज है महल को देखने के लिए, आप किसी चीज से सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं, आप लगाइए देखिए कितनी भीड़ है, मतलब आज भी लोगों पुलिस प्रशासन को धक्का मार करके पूरा निकल जा रहे हैं, आप समझिए कि देखिए लोग मतलब चाहे बाबा महाराज महाराज साहब से मिलने के लिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यूट्यूब में देखते रहिएगा चैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सरगुजा रियासत अंबिकापुर शहर सरगुजा अंचल में आए थे, दशहरा आज है और विजयदशमी का पर्व है आज, और आज ही के दिन में मात्र 5 घंटा के लिए खुलता है, आज पहली बार 4 बजे खुला है, और इतना खचाखच भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं, लोग तिल मिला रहे हैं, इतना भीड़ हो गया है, लोग यहाँ पर मशक्कत इतना ज्यादा करना पड़ रहा है कि क्या बोले, तो बहुत अच्छा, देखिए कितना, देखिए ऊपर में चढ़ करके जा रहे हैं, कितना भीड़ है, आप वहाँ कैमरामैन से चाहूंगा कितना वहाँ पर, कितना कमजोर इंसान वहाँ पर धक्का मुका खड़ा हो जाए तो पार हो जाएंगे, उधर पार हो जाएंगे, इतना प्रेशर है वहाँ, लाइन लगे हुए हैं, देखिए कितना रूबरू हो रहे हैं, देखिए कितना भीड़ हो रहा है, तो ये पूरा महल को ऊपर का दृश्य मैं दिखाऊंगा, पूरा ऊपर का दृश्य देखें पूरा, और शाम के ढल रहा है सुहाना मौसम, विजयदशमी का पर्व, बुराई से अच्छाई की ओर, आज श्री राम भगवान रावण को वध करके अच्छाई विजय प्राप्त किया था, इसी परंपरा को, और हर वर्ष
इतिहास गौरव इतिहास रहा है कि राजा आशी के दिन में हाथी से सवार होकर के निकलते थे और प्रजा से मिलते थे, वो परंपरा को पूजा पाठ करके रीति रिवाज के हिसाब से मनाते हैं। तो मेरे चैनल है परमान राजोड़े ब्लॉग्स, उसमें लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। यही था राजा जमाना के जो विरासत था, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आए हुए थे कैम्ब्रिज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कैसे लगा वहाँ पर बाघ, चीता, शेर, हाथी, वन वन भालू, वन भैंस, मतलब इतना सारा पहले जमाने जितना जीव जंतु थे सबको वहाँ पर एक इतिहास और याद के लिए रखा हुआ है। जहाँ महाराज साहब बैठते हैं वहाँ पर आज प्रजा से भेंट मुलाकात करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका जिंदगी दीर्घायु रहता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरगुजा रियासत के बहुत बड़ा महल है राजा जमाना के। आ गया देखिए हमारे सरगुजा रियासत के अंबिकापुर शहर में जो दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पर सबसे महत्वाकांक्षी यानी कि जिज्ञासा होता है लोगों को, गांव देहात से ज्यादा संख्या में आते हैं। और ऐसे एक परंपरा है, राजा जमाना पहले प्रजा से मिलने का एक अनूठा परंपरा है। और आज का दिन अपने राजा हाथी घोड़ा और अस्त्र शस्त्र उसको पूजा पाठ करते हैं और वो परंपरा लगातार बरकरार है। आज विजयदशमी का पर्व पर आज गेट खुलता है, बड़ा सा महल है आजे, और हमारे राजा प्रजा से मिलता है और हमारे सरगुजा रियासत के और इस अंबिकापुर के मुखिया छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, हम प्यार से बाबा बोलते हैं, टीएस बाबा है ना, वो सब लोग से मिलेंगे, रूबरू होंगे, पूरा अंदर का पूरा होगा। लेकिन 3 बजे बता रहे हैं, 3 से 8 बजे तक पूरा वहां पर इंतजार करते हुए एक एक सांस एक एक धड़कन बढ़ता हुआ कि प्रवेश जाने के लिए किस तरीके से यहाँ ठसम ठस भरे हुए हैं, पैर नहीं जगह मिल रहा है, इतना इंतजार करते हुए। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। आइए लोगों से हम अभी पूछताछ करते रहते हैं, कुछ जानकारी भी लेते हैं। कहाँ से हैं दादा, इधर देखा है कैमरा मैन, क्या नाम है आपके? सरगम मीन के अंदर जो बोलिएगा और मेरे के जानते हैं। अच्छा जानते हैं, तो एक आध बार आए हैं कि नहीं? यहाँ कई बार मैं उनके आज मिलना है। हाँ मिल रहा है। चलिए ठीक है, कहाँ से हैं सर? मैं सूरजपुर से हूँ। एक आध बार आए थे यहाँ? नहीं पहली बार। तो क्या सोच कर आए हैं? देखने के लिए आए हैं राजागढ़ी। कितना टाइम से राजागढ़ी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं भाई? अभी तो मेरे को आधा घंटा हो गया आने के लिए, तो अभी 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा है ना। यहाँ जहदोजहद कर रहे हैं, ठसम ठस भरे हुए हैं इंतजार करते हुए। देखिए उधर उधर लोग महिला भीड़ है कह सकते हैं, और पूरा मैं आपको रूबरू दिखाऊंगा डियर। हर रियासत का एक अलग इतिहास होता है, गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर अनेक इतिहास छुपा हुआ है। परंपरा को निर्वहन करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ शासन में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी हमारे मुखिया हैं हमारे सरगुजा रियासत के, और उनके परिवार के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। राजा अपने प्रजा आज ही के दिन में मिलते हैं और ऐसा परंपरा चलते आ रहा है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा भव्यता के साथ बड़ा गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर की जो महल है उनको देखेंगे पूरा इतिहास, तो लोगों को और भी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शुभ नाम भाई? जीशान जी। जीशान जीशान देखने आए हैं जी। तो कितना टाइम से प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई? हो गया 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ। एक आध घंटा इंतजार करना पड़ेगा लग रहा है ना, यहाँ पर आने के लिए प्रतीक्षा करते हुए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है। अब पूरा मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार महल को ऊपर वाला जो 3-4 एम्पायर है, 3-4 जो ऊपर में है उसको पूरा कवर करेंगे और लोगों को कवर करेंगे। लोग यहां पर बड़ा शिद्दत के साथ दीवानगी के साथ इस महल को देखने के लिए, जैसा कि परंपरा है उसके ये देखने के लिए फोटो सेशन का होगा। राजा महोदय जी, राजा महाराजा लोग से भी मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर होगा। बहुत ही यादगार पल, तो देख सकते हैं बहुत बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा सा हम बाहर तरफ से कवरेज करेंगे, यहाँ तो भीड़ इतना ज्यादा है कि मिलना मुश्किल है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे बहुत लोग देखे 3 घंटा से इंतजार कर रहे हैं इधर के, पूरा पूरा देख सकते हैं इधर से पूरा बैठे हुए, वहां लाइन तक पूरा है। अब ये राजा महल को देखने के लिए, ये राजमहल है इसको देखने के लिए। अब जो नहीं देखे हैं निश्चित तौर से अंदर को देखने के लिए उत्साहित है कि अंदर में वाकई में क्या होगा है ना। वहां पर मैं परसों गया था कैम्ब्रिज करने के लिए, आज भी पहुंचा हूं और लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं और दिल से अंदर से रहता है कि भाई अंदर में इतना आज ही गेट खुल रहा है, महल राजा जमाना के कैसे रहता होगा पहले जमाना में। अब आज के दिन में
जो राजा था वो प्रजा से मिलते थे, बातचीत करते थे, बड़ा विनम्रता से, बड़ा मजा आ जाता। कुछ लोग से बात करते हैं, दादा लग रहे हैं अभी आए हैं देखने। नमस्कार भैया। नमस्कार। यहाँ देखने के लिए आए सर जी? तो एक आध बार देखे थे कि नहीं देखे हैं सर? यहाँ आए थे कि नहीं? एक आध बार आए थे। आए थे तो अपने फैमिली के साथ दिखाने के लिए आए हैं जी। चलिए ठीक है। कितना टाइम से प्रतीक्षा कर रहे हैं? अभी आधा घंटा पहले। यहाँ के बारे में बताइए सर, एक आध बार आए थे तो कुछ क्या बताएं यहाँ के बारे हमारे में? चैनल के बारे में कि यहाँ अंदर में क्या देखे, क्या अच्छा लगा, अगले दफा आए थे तो उसमें। चलिए, मोबाइल देखने में व्यस्त है अभी, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग अपना इंतजार करते हुए। कहते हैं कि हर सफलता होने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए हर इंसान को सफल होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब इंतजार करें और मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो इंतजार बस यही सही रहता है। देखिए सब बैठे हुए हैं, बहुत लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन अपने भूख प्यास को रोक करके अंदर जाने के लिए इंतजार करते हुए ज्यादा, और पानी नहीं पी रहे हैं कि जब तक अंदर नहीं जाएंगे देखेंगे नहीं तब तक पानी नहीं पियेंगे, ऐसा सोच करके आए हुए संकल्पित है। तो बड़ा उत्साहित है। देखिए पहले जमाना में ये गेट क्यों सामने रहा होगा, कुछ इसके पीछे कारण रहा होगा। ये पहले अब खंडहर टाइप का हो गया है, ऊपर में पौधा जुड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा, और उधर फ्लावर लगा हुआ है देख सकते हैं, गौरवशाली यादगार पल, और शिद्दत के साथ यहाँ पर होता हुआ। और जैसा ही अंदर में अभी गेट खुलेगा, इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे और आगे जाते हैं, तब तक पता चलेगा। आप लोग भी आए हैं देखने के लिए? कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर से आए हुए हैं। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। क्या नाम है आपके? रूपा रवि। अनुपा? रूपा रवि। रूपा रवि, तो एक आध बार आए थे रूपा जी? नहीं, फर्स्ट बार है। तो देखने का उत्सुकता ही है। आपका सहेली लोग कोई बताए थे कि आज ही के दिन में, दशहरा के दिन में गेट खुलता है, राजा गेट खुलता है? हाँ, कितना टाइम से आए हैं? हम लोग 10 बजे से आए हैं। 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो नाश्ता उस्ता कर लिए हैं, पानी पी लिए है ना? हाँ। तो कितना उत्सुकता जाने के लिए, कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छा है, अभी टीएस बाबा से भी मिलेंगे। सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। और अंदर में एकदम बहुत सारा सियार, बहुत सारा मतलब अलग टाइप का सजावट है, जंगली जानवर लोग। हाँ। बहुत सारा ऐसे है ना जगह कि भूल जाते हैं लोग जाने के बाद, मतलब बहुत सारा कमरा है, है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अभी जाने के बाद, मतलब बहुत एक्साइटेड हैं आप? चलिए ठीक है। तो क्या पढ़ाई करते हैं आप? 10th में। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए ड्रोन चल रहा है, ड्रोन से भी शूटिंग हो रहा है ना, और एक एक लोग का इंटरव्यू चलता हुआ, बहुत मजा आएगा। और एक एक लोग से पूछते हैं सर लोग से, कुछ रूबरू इधर हो जाते हैं, नजदीक जाती इधर हो जाइए, बहुत लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो लुंड्रा से आए हैं। लुंड्रा से आए हैं, क्या नाम है आपके? शुभ नाम? सविता सिंह। सविता सिंह जी, एक आध बार आओ आए थे यहाँ महल देखने के लिए? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। साल भर 365 दिन में एक ही दिन गेट खुलता है। हाँ। है ना? अब इसलिए इसका मतलब इसका मान्यता बढ़ जाता है, उत्सुकता हो जाता है कि कल तो बंद हो जाएगा 8 बजे के बाद, फिर दर्शन नहीं हो पाएगा, है ना? तो हर दिन गेट खुला रहता तो ऐसा इंतजार नहीं करते। हाँ। कभी भी आके देख सकते थे। और ऐसा भी पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यता है, ऐतिहासिक है। हाँ। कि राजा आज ही के दिन में अपने प्रजा से मिलते थे, और पुराना जमाना में जब वर्चस्व था राजा के तो हाथी से निकलते थे। और ऐसा भी मान्यता है कि बिलासपुर चौक से जो बंजारी है वहां पर नीलकंठ का जो होता था वो पूजा पाठ का, आज ही के दिन में तोप छोड़ते थे और पूजा पाठ करते थे। सब परंपरा है और वो परंपरा को लगातार बनाए रखे हैं। वही परंपरा को पूजा पाठ करने के बाद हमारे सरगुजा रियासत के अभी मुखिया हैं और छत्तीसगढ़ शासन में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री है ना, टीएस सिंहदेव जी, सभी से मिलेंगे उसका परिवार का। अभी सरगुजा कलेक्टर मिल के गए हैं, है ना, और पूरा परिवार के साथ अभी दर्शन करके गए हैं। और सभी लोग से प्रजा, अभी इतना भीड़ भाड़ लग रहा है, अंबिकापुर के हृदय स्थल कह सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत और सब बीचों बीच में पड़ता है। आज ही का दिन में कहना चाहिए, आज रावण को आज मतलब अंदर का बुराई उसको मारेंगे, लेकिन उससे ज्यादा देखने के लिए यहाँ आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैसे एक्साइटेड लग रहे हैं? एक्साइटेड तो बहुत है सर, सुनने का। जाने दे, वो अभी 3 बजे से 8 बजे तक रहेगा ऐसा? हाँ। और वहाँ पर बहुत सारा कमरा है, रूम है। हाँ। रूम में भूल भी जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला अंधेरा। आज लाइट जलाएंगे और राजा बैठेंगे वहां पर, बहुत सारा पहले जमाना का शिकार किए हैं वो सब पूरा है अभी प्रदर्शित। एक बार मैं गया था अंदर में, एक्साइटेड इसीलिए हूँ। फर्स्ट टाइम है तो जिंदगी में पहला नौकरी हो चाहे पहला
शादी होता है, चाहे पहला कुछ चीज स्पेशल कुछ चीज होता है तो स्पेशल एक्साइटेड रहता है पहला चीज, है ना सर? या पहला एडमिशन होता है ना बच्ची का या बच्चा का, तो भी एक्साइटेड रहता है, अलग फीलिंग लगता है। तो आपका पहला, दूसरा बार जाते तो उतना एक्साइटेड नहीं रहते, है ना? क्या कहते हैं सर, पहले बार में थोड़ा सा लगता है ना कि अंदर में चलो यार कुछ है करके, ठीक है? तो चलिए देख के आइए फिर बताइएगा, ठीक है? मेरा चैनल में आप बरकरार रही कभी न्यूज डालेंगे, है ना? आपका चैनल का नाम? मेरा परमान राजवाड़ा ब्लॉग से है, उसमें न्यूज चैनल। हाँ 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 जी सर, जाने नहीं दे रहे हैं, जाने हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है ना, एक नियम होता है। तो ऐसा नियम है हाई कमान से, यह सिस्टम आप लोग के लिए बनाया गया है, पुलिस प्रशासन हम सब के लिए सेवा के लिए लगे रहते हैं। और 3 बजे से संभवतः 2:30 बजे से 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुलता है, और उसी समय हमारे महाराज आएंगे और सभी लोग से मिलेंगे, रूबरू होंगे, मजा आएगा और सबसे बातचीत हालचाल पूछेंगे। पहले जमाना में ऐसा परंपरा रहा है कि पूजा पाठ करने के बाद अपने परिजन से मिलते थे, है ना? तो ये सब कुछ है। देखिये बहुत लोग 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे से 1 घंटा से 3 घंटा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि पानी नहीं पी रहे हैं कि कब गेट खुल जाए, हमको मौका नहीं मिलेगा, भीड़ हो जाएगा, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ पर, और नाश्ता पानी भी कर लो, मैं बोल रहा था तो नाश्ता नहीं करना है क्योंकि अभी गेट खुल जाएगा तो हमको मौका नहीं मिलेगा। तो ये आज बहुत ही सुनहरा मौका है, 2024 का दशहरा पर्व है, बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से। और अभी गेट हमारे सरगुजा रियासत के परम श्रद्धे आदरणीय श्री TS बाबा जी, जो हम लोग मिलेंगे, हम लोग का सब मुखिया है, सरगुजा अंचल के भूतपूर्व CM, उप CM थे, और बहुत ही अच्छा हमारे राज परिवार और गांव देहात से सब लोग दूर दूर से आते हैं, पूरा सरगुजा अंचल से, सूरजपुर, बहुत बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो भी महल को देखने के लिए आते हैं। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और बहुत ही अच्छा है ना, ट्रेडिशनल मोमेंट जो हिस्ट्री रहा है, बहुत अच्छा। और महल को मैं पहले फर्स्ट टाइम विजिट किया था 2023 में, तो वहाँ पर अच्छा रहा, और आप लोग जाइएगा तो बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर जाकर भी देख सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग वहाँ पर अंदर जाएंगे, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ आप लोग के साथ रिव्यू करूँ। और यहाँ पर गौरवशाली इतिहास है, यहाँ के परंपरा रहा है, राजा पहले जमाना में आची का दिन में बड़ा अपने पूजा पाठ करते थे रीति रिवाज के हिसाब से अपने परिवार के साथ, इसके बाद प्रजा से मिलते थे, और आजी के दिन में हाथी से निकलते थे राजा और पूजा पाठ करते थे, बस यही सब था। तो आज तो ऐसा है नहीं, हाथी भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सिर्फ जंगल में मिलेगा है ना आजकल, लेकिन अब घोड़ा भी नहीं मिल रहा है, उस समय घोड़ा हाथी सब रहते थे, अब एक से बढ़कर एक। और सरगुजा रियासत बहुत ही अच्छा एक इतिहास था, उस समय राजा जमाना का पूरा चलता था शासन, उस समय बहुत अच्छा था। तो यही सब कुछ था, आगे मैं दिखाऊंगा जैसे ही गेट खुलेगा, प्रतीक्षा है घड़ी का 3 बजेगा, जैसे ही परमिशन हाई कमान से आएगा अंदर प्रवेश करने के लिए और ये जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमान राजवाड़ा ब्लॉग्स, लाइक और सब्सक्राइब, पार्ट 2 में अंदर में प्रवेश करने के बाद स्टार्ट करें। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।